अनबिलीवेबल पढ़ाई करके स्प्रे करने स्टार्ट किया, हाथ आया ब्लैक कलर का, हमारी उल्टे पैर थोड़े लगी उस घर से, इतना बड़ा सांप जा ऐसे जैसा घर हमने खंडर देखा था अपना। अली वो हमारे पास ये अल्लाह चीजें हाजिर होने शुरू हो गया, खोला नीचे से आग का ब्लास्ट, ये मामा अपनी बर्न हो गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक न्यू एंड अदर व्लॉग। ओके लेट्स गो। आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड है कि हॉरर स्टोरी हॉरर स्टोरी, अगर आप लोग को मैं एक एक का कमेंट पढ़ने बैठ जाऊँ ना हॉरर स्टोरी का, तो मुझे तो पूरा दिन ही लग जाए पढ़ते पढ़ते, कि इतने हॉरर स्टोरी के डिमांड है, इतनी ज्यादा लॉट ऑफ टिन 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 लिस्ट चेक करो, इतनी ज्यादा हॉरर स्टोरी की डिमांड है। हमारे मतलब आपको अपनी लाइफ की रियल हॉरर स्टोरी आपको बतानी है, तो मैं घर वालों को भी आज मैंने कल का रेडी कर लिया होगा, कल हॉरर स्टोरी ब्लॉग बनाया। आहा कसम से मैं इन चीजों को जो है ना मानता नहीं था, पर मुझे मानना पड़ा जब खुद के साथ हुआ। कुछ लोग अब बीच में कहेंगे कि ऐमी बकवास कर रहा है, उनको बनता है कहना, क्योंकि उनके साथ कभी हुआ नहीं, और मैं भी इसे जब मेरे साथ ये वाकया नहीं ना हुआ था तो मैं भी इन चीजों को ऐसे ही कहता था, क्या फजूल बातें हैं। तो आज की जो स्टोरी में ना आपको ऐसे ऐसे वाक्य सुनने को मिलेंगे अनबिलीवेबल। दिन है भाई, दिन को तो मजा नहीं ना आता हॉरर स्टोरी बताने का, रात को पूरा मॉल बना के आपको हॉरर स्टोरी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप रियल पैसा अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉकेट ब्रोकर की। ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पैसा कमाना बड़ा ही आसान है और आप लोग को फ्रस्ट्रेटेड वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा पॉकेट ब्रोकर बहुत सारे डिपॉजिट एंड विड्रॉल मेथड को भी सपोर्ट करता है, इसलिए भी रिलायबल है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाओ। आए मैं आपको इस पे ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इजी है, ईमेल और पासवर्ड डालें, साथ में आप मेरा प्रोमो कोड यूज करें साइन अप करने के लिए। उसके बाद अपनी मर्जी की अमाउंट सेलेक्ट करके डिपॉजिट कर दो। यहाँ पर देखें मैंने डिपॉजिट कर दी। हम फाइनली अपनी ट्रेडिंग करते हैं। वैसे तो मैं बड़ी अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग लो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये मैंने $10 की अमाउंट सेलेक्ट कर ली है, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है ये बार ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि मैं हायर सेलेक्ट कर देता हूँ। और यस, और ये होगी मेरी एक सक्सेसफुल ट्रेड। अब ट्रेड मैंने कंप्लीट कर ली है और अर्निंग मेथड इजीली और सिंपली विड्रॉ कर सकते हो। और हाँ, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो मिलेगा 100% का बोनस मेरे फर्स्ट डिपॉजिट पे। इसे फिर रात कर देते हैं यार, रात करने में कितनी देर लगनी है। देखो टिन, ओ कुछ एक्स्ट्रा ही रात हो गई है। सेटअप आपके भाई ने कर लिए, पसीने बुलाते हैं और फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके अब बारी आती है स्टोरी सुनाने की। आपके भाई ने इनको भी बुला लिए और सेटअप भी रेडी कर लिए। देखो अभी मजा नहीं आ रहा है, है ना भाई? ना वाइब्स हॉरर स्टोरी सुनाने की, तुमने से डराना मुझे पहले। तो आप बताएं स्टार्टअप कहाँ से ले रहा है? स्टार्टअप है ये तो बताओ ना, हम सारे इसलिए बैठे हैं क्योंकि सबके साथ ही कुछ ना कुछ हुआ है। सबके साथ हुआ, हालांकि मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। वो तीन फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, मुबशिर, दानी, तैयब, इनके साथ भी वो वाकया हुआ होगा, वो भी किसी ना किसी दिन आपको बताऊंगा। पहले अभी बताते हैं जो हमारे साथ सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो हमारे साथ सिस्टम हुआ था, जिस जिसका जो जो वाकया हुआ है ना वो एक एक करके सुनाए। अब फर्स्ट अलीना तुम सुनाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ ये हुआ था कि पहले सिर्फ फीलिंग्स आ रही थी, जैसे ऊपर मैं अगर कमरे में कपड़े चेंज करने गई हूँ या वैसे गई हूँ कुछ भी करने गई तो फीलिंग्स आती थी कि पीछे कोई है या अलीना कुछ है साथ। तो जो वाइब्स है ना वो बहुत अलग तरीके की आती थी, बड़ी डेंजरस टाइप की। तो मैं तो मानता नहीं था, ये भी नहीं मानती होती थी मेरे साथ। मैं तो मानती थी ना। वो बताओ जो सीढ़ियों से गिरती आई थी, हुआ ये था कि मैं नीचे आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा था पीछे कोई है मेरे, तो ना मैं जल्दी जल्दी नीचे आ रही, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर गई, और मेरा जो पाँव था ना वो मुड़ गया था। और मैंने बिलीव नहीं किया, इसके हाथ में था शीशे का ग्लास, वो इससे पहले गिरा ये उसके ऊपर गिरती आई थी सीढ़ियों के साथ साथ। चोटें वगैरह काफी लगी थी, वो हमने डॉक्टर को जाके चेक कराया था, अब तो नॉर्मल था, मैं तो इतनी चीजों का पता ही नहीं था कि ये क्या चल रहा है हमारे साथ। फिर मामा अब अपना सुनाएंगे बाकी, या मैं अपना सुनाऊं? अपना पहले आप सुना। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ कि घर में इस तरह की चीजें चल रही थी ना टोनी, तो कहीं ना कहीं मैं मानता तो खैर नहीं था इन चीजों पर, कहीं ना कहीं पर ना डर तो बंदे को लगता है ना। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना बड़े मजे से ना नहाने गया हूँ अपने कमरे में, ना अभी नहा रहा हूँ तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी बैक पे कोई खड़ा हुआ है। तो मैंने देखा मुड़के तो कोई भी नहीं, फिर मैं नहाने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्टिल मुझे वॉच करी जा रहा है।
मैंने ना घबरा के ना फटाफट टावल लपेटा और कमरे में आके ना कमरे वो कपड़े चेंज किए कि ये छुपी हुई थी मुझे डराने के लिए, ठीक है, दूसरे कमरे में छुपी थी, उसके साथ ही सीढ़ियां थी नीचे उतर कर। अब मैंने क्या किया, मैं डरा हुआ था पहले से, मेरे ये देखे अभी भी रोटे खड़े हो गया, तो मैं अभी कपड़े चेंज करके सीढ़ियों की तरफ गया हूं, तो ना मुझे वही वाइब आई कि कोई पीछे खड़ा है और स्टिल मुझे देख रहा है। ये निकल रही थी वहां से, इसका मैंने कहीं देखा शैडो, इसके निकलने से पहले इसका शैडो मैंने देख लिया। मेरी तो तितर बितर हिल गई, मैंने फर्स्ट फ्लोर से जंप मारी सीधा अपनी गाड़ी के ऊपर जाके गिरा गैराज में जाके। उस टाइम मेरी टांग जो है ना वो फ्रैक्चर हो गई थी, और फिर मैंने मामा को बताया कि ये मुझे फीलिंग आ रही थी और इसने ये मुझे डराने आई थी, कहती मैंने डराया भी नहीं, और मैंने शैडो देखा था, शैडो से मैं जंप मारा। मैं वहां पे इतना ज्यादा डर गई थी कि मैंने अभी इसको डराया नहीं है तो ये कैसे डर गया, क्या हुआ, मैं रोने लग पड़ी थी वहीं पे कि मैं, क्योंकि मुझे इतनी आवाज आई थी, रेहान भागता गया और रेहान ने जंप लगा के ये लगा था और इसका बहुत बुरा असर हो गया था। मामा ने मुझे बहुत डांटा था, तो पहले वहाँ पे मैंने कहना शुरू कर दिया था कि मैंने नहीं डराया, मैंने कुछ नहीं किया। तब भी ऊपर से ना हमारे कमरे में से क्या होता था, अक्सर आवाज आती थी थक थक, सोफे पड़े थे, ऐसा लगता था कि सोफा उठा के नीचे मारा, सोफा उठा के नीचे मारा, ऊपर जाना तो ऊपर कुछ भी नहीं होना, सब कुछ नॉर्मल, तो हमें लगता था वहम है, हम जाए शायद ये चीजें ज्यादा सोच रहे हैं जिसकी वजह से हमें लगता है। फिर मामा के साथ एक वाक्य हुआ बहुत बड़ा, वो सुना है। सबसे पहले तो याद है जब हम नमाज पढ़ते थे, हाँ, तो हमसे नमाज पढ़ते हुए भी हम सारों की ऐसे होता था कि जैसे कोई पीछे है, पीछे हाँ। और कोई जैसे ना कुछ करने लगा है, यानी कि जिस तरह कोई डराता है या कुछ ऐसा फीलिंग आती है, यानी नमाज पढ़ना बहुत ज्यादा, और मैं ना बड़ा काबू रख के तो मैं कहती थी या अल्लाह आपके सुपुर्द है, आपकी मैं उसमें नमाज में कुछ नहीं हो सकता, ईमान है कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी है इसको स्टॉप करें। और मैंने एक दफा नमाज पढ़ते पढ़ते ना पीछे देख लिया था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा किसी ने पकड़ लिया बस मुझे, तो मैंने मामा को जब ये वाक्य सुना मामा ने मुझे बहुत डांटा कि नहीं आ सकते थे, जो है ना इस चीज को हम सीरियस लेते नहीं थे, मामा ने भी इतना सीरियस नहीं लिया। हमारे घर के हालात ना बहुत ज्यादा डाउन होने शुरू हो गए, मतलब कि जो काम करते थे ना वो फ्लॉप होता था। अब मामा ने बुजुर्ग में ये जो बाबा जी होते हैं इनमें बिलीव करती हैं, हाँ मैं तो बिल्कुल स्पेशली नहीं करता, ठीक है यार, मैं तब तक भी करता हूं। वो स्टोरी भी बता रहा हूं, अब बताता हूँ, वो सांभली भी सुनाते हैं, वो बाद का वाक्य है। अब क्या हुआ, मामा बाबा जी के पास गई, बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे घर ना कोई कबीला है, तो मैं मामा पे हंसा था कि क्या झूठ बोल रहे हैं, झूठ है ज्यादा लोग, ज्यादा मतलब गंदी चीजें हैं घर में, ठीक है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो मैं मामा पे हंसा था। मामा ने उनको उन्होंने ना पढ़ाई देनी मामा को कि ये पढ़ के ना तुमने घंटा आधा घंटा नमाज के बाद फौरन ये पढ़ के घर के चार कोनों पे ये स्प्रे करना। जब मामा ने ये घर में ये पढ़ के, उससे पहले तो कुछ होता नहीं था, जैसे ही मामा ने पढ़ाई करके स्प्रे करने स्टार्ट की, वो चीजें हाजिर होने शुरू हो गई, उठने शुरू हो गई और तेज हो गया ना, तेज हो गई। मैं ऐसी अंदर आई हूँ, मैंने बस पढ़ाई की है, थोड़ा सा पढ़ के मैं अंदर ही पाऊँ रखा है, तो सामने ना ऐसे ना मुझे पहले वो जैसे साया सा नहीं कोई नजर आता, शेडो सा मुझे ऐसे नजर आना शुरू हुआ, कोई चीज आ रही है ऊपर से, तो ऐसे सीढ़ियों में से ना अचानक रेहान, अचानक लीना रेहान, ऐसे करते 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 मेरी नजर वहीं पे जमी हुई थी, और वो ऐसे हाथ आया ब्लैक कलर का, पूरा हाथ मैं आज दिन तक नहीं भूल सकती, ये बिलीव नहीं कर सकते आप लोग। और मैंने वो फील किया जैसे ही मैंने मामा को चीखते देखा, मैंने देखा बस शैडो मुझे नजर आया, मुझे कोई आंखों की नजर आया, जैसे लगा काला सा कोई चीज है, मैं भी उधर चीखे, मामा भी उधर चीखे, अलीना दौड़ती है, अलीना भी उधर चीखे मार मार के, अलीना को खैर पता नहीं था, पर ये माहौल जिस तरह का क्रिएट हमारा हो गया था ना वो नेक्स्ट लेवल था। फिर मामा आप वो बताएं, जब घर हम छोड़ने की बात करते थे, जब हम घर छोड़ने की बात करते थे चीजें तेज हो जाती थी हमारे ऊपर, वो हमारे साथ वो सारा कुछ करना शुरू कर देती थी जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता था। मैं तो इतनी खौफजदा हुई, तो मैंने जब बाबा जी को कॉल दोबारा बुजुर्गों को लगाई, तो उन्होंने मुझे कहा आप घर से बाहर आके बात किया करें, आप घर के अंदर बात ना करें, आपकी हर बात सुनी जाती है, और वो चीजें जो पढ़ाई पीछे भी कर रहे होते हैं ना वो हमें भी तंग करना शुरू कर देते हैं, आप जल्दी से बाहर आए। मैं बाहर फोन पे बात करना चाहती थी उनके साथ, फिर उन्होंने लास्ट टाइम मुझे कहा कि आप इस घर को जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दें, ये खून मांग रहा है, ये खून मांग रहा है, ये घर में ऐसा कुछ हुआ हुआ है और ऐसी चीजें यहाँ पर है कि ये आपको जीने नहीं देंगे और किसी न किसी को ये ले जाएंगे।
घर में से क्या हुआ, मम्मा किचन में खड़ी, मैं रैंडमली ना इस तरफ से आया ना, तो मैंने देखा कि मम्मा के पाँव के नीचे से ना इतना बड़ा सांप जा रहा है। मैं कपड़े वॉश कर, वो वीडियो है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कपड़े वॉश कर रही थी तो मैंने मम्मा को ना पकड़ के कहा मम्मा सांप, और मैंने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। मम्मा ने देखा अच्छा खासा सांप था, ठीक है। अब सारे दौड़ के इस टाइप आ गए। अब चीजें तो रूप में ही आती हैं किसी, हम डर के हमने क्या किया, वो जो रेस्क्यू वाले होते हैं जो ये मतलब चीजें घर से निकालते हैं, तो जानवर वगैरह कोई इस तरह की वो चीज घर में आ जाए तो लेने आते हैं। वो वीडियो ऐसे बनी थी कि मैं वहाँ पे खड़ी थी, तो मैंने ना फटाफट कैमरा ऑन कर लेना ऐसे, जैसे आपको पता शौक होता है स्ट्रीट का, ऐसे मैंने फटाफट बना ली, तो वो हमारे पास। ये अल्लाह, ऐसे भी आ गई। बालकनी मैं आपको क्या बताऊं, बहुत छोटा एरिया था, सिर्फ एक मशीन, रखने की जगह थी और उस पर कोई जगह नहीं थी कहीं से बंदा निकल सकता, या कोई जानवर भी हो वो भी कहीं नहीं जा सकता, ऐसी जगह थी। अब वो बंद कर दी। अब मैंने कहा सांप इधर ही कपड़े छपड़ों में होना, रेस्क्यू आई, उन्होंने चेक किया, मिला ही नहीं कहीं पे सांप। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। पूरा मोहल्ला एक दफा हमें कहने लग गया कि ऐसे हो, आपका वहम होगा। हमने वो जो वीडियो दिखाई बनाई हुई थी ना, वो नहीं दिखाई उन्होंने, फिर अपनी तरफ से फिर उन्होंने कहा कि शायद वो पाइप के ऊपर चढ़ के ऊपर से कहीं निकल गया, पर वो नहीं मिला उसके पास सांप। पर हमें डर लगा रहा था कहीं से निकल ही ना आए दोबारा से, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब वो सिलेंडर वाली बात आप खुद बताएंगे, सिलेंडर वाली आपके साथ हुई, वो बहुत डेंजरस हमारी लाइफ के। तो रोजे की तैयारी मैंने सारी तो कर ली बड़े आराम से, जब इफ्तारी का टाइम मेरा दोस्त आया था घर पे इफ्तारी, अब मामा गई है, साधन था उसको गर्म करने के लिए मैं चूल्हे पे गई है। अब चूल्हे के नीचे ना सिलेंडर रखा हुआ था, उस घर में गैस नहीं थी, सिलेंडर रखा हुआ था, तो उधर सिलेंडर रखा हुआ था, वो पूरा इस तरह बात थी कि सिलेंडर मैंने क्या किया था, ऊपर से वो ना ऑटोमेटिक हमारा चूल्हा था, ठीक है, चलाने वाला, तो वो सिलेंडर के साथ अटैच था नीचे, तो जैसे ही वो कहीं लीक होती थी उसमें गैस, मैंने उसको सिर्फ ओपन ही किया है, बताने वाले ने बताया लीक होती थी, लीक शीक तो नहीं, आपको पता ये हुआ क्या था, ऐसे ही हमारे साथ ये किया। फिर मामा ने ऊपर से किया टिक टिक टिक, वो चूल्हा इलेक्ट्रिक था ना, उसे टिक 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 किया, नीचे से दरवाजा खोला, नीचे से आग का ब्लास्ट, आग मामा के पूरे कपड़ों पे लग गई, आग पूरे बालों पे आग लग गई, और हम दौड़ते हैं, हमें समझ ना आग बुझाएंगी, हम छोटे छोटे थे, हम ज्यादा बड़े नहीं थे, तो अब मैं अपने हाथों से बुझाऊं, पर वो बुझे ना, मेरा हाथ उल्टा जले कि इतनी तेज आग थी, खुद सोचो, तो उसे पूछ नहीं रही थी, मामा को भगाया वॉशरूम की तरफ, वॉशरूम गई, उधर से शावर खोल दिए, पूरी आग ना मिट गई, पर उस आग ने क्या किया कि मामा पूरी पूरी बर्न हो गई, फेस भी वो जैसा पिघल नहीं जाता, इस तरह का फेस हो गया। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ प्रूफ के साथ, तो देखिए हम क्या करें। फिर मैंने क्या किया, मुझे गाड़ी उससे आती थी चलानी, पर मैं अनाड़ी था गाड़ी, और हम थे भी छोटा था, मैं अच्छा मुझे इतनी नहीं ना याद है मुझे कितनी पेन थी, अच्छा कि मुझे ये भी नहीं था कि मैं गाड़ी किसको चलाने दे रही। अब मैंने क्या किया, अब मैंने गाड़ी पकड़ ली, मामा को पीछे बैठाया, लीना बैठी, मैं फुल ओवर स्पीडिंग करता गया हूँ, मामा को हॉस्पिटल लेके गया, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे चौथे, इस तरह करते करते ना एक हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हम एडमिट करेंगे, पर उधर क्या है, उधर एक बिस्तर पर तीन तीन बंदे, तीन तीन लोग, मतलब इस तरह ना वो हॉस्पिटल था ना, वो हॉस्पिटल था के लिए था स्पेशल, हाँ, लोग वहाँ के प्राइवेट नहीं था, क्योंकि प्राइवेट वालों ने कहा था कि आपकी मामा नॉर्मल नहीं बर्न हुई, वो ज्यादा 70% 60 के 70 नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता ना, तो सेकंड पे कह रहे थे सेकंड किस्म की। अब हम पागल हो गए थे, हम क्या करें, नहीं समझ थी उस टाइम हमें, छोटे छोटे, हमने कॉल की अपने खाला करने का, इस तरह हो गया, उनको इस्लामाबाद कॉल की, उन्होंने अपनी गाड़ियां निकाली, वो सीधे इधर आ रहे थे, पर इस्लामाबाद से आने में टाइम लगता है। अब क्या हमने किया, उधर से हमने बेवकूफी क्या की, उधर से मम्मा को उठा के ना हॉस्पिटल से घर ले आए, पर ठीक करीबन तीन चार घंटे में घर वाले आ गए, वो आए, उन्होंने देखो तोबा ये इतनी ज्यादा हालत खराब हुई है, तुम लोग तो कह रहे थे जल गई है। अब उधर से गाड़ी निकाली सीधा इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट किया मामा का, 4 महीने मामा की सर्जरी चलती रही स्किन की, इतना ज्यादा बर्न था, तो सर्जरी वगैरह कराई, काफी महीने हम इस्लामाबाद रहे। फिर उसके बाद जैसे ही मामा सही होने, रिपेयर शुरू होने किया, तो मामा की ना आईब्रोज नहीं थी,
आईब्रोज उड़ गई हुई थी बिल्कुल ही ना, आई लैशेज आईब्रोज रिमूव हो गई थी पक्की पक्की। अब हम अब मामा क्या करती होती थी, शीशे में देख के अपने आप को रोती होती थी अक्सर। तो हम मामा को ना कहते थे टांग करने के लिए, ओ मामा आप खूबसूरत हो गई हैं। और मामा वाकई बड़ी माशाल्लाह वाइड और खूबसूरत हो गई थी, बड़ी खूबसूरत जिस तरह अंडा होता है, बाल है ही नहीं, अजीब सी स्किन। अब मामा को हम वो करते थे ना कि मामा अपने अपने ऊपर कोई बुरा सोचे ना, मतलब शीशे में देख देख के रोती रहती है। हमने कहा मामा एक ना हम ना पार्लर खोलते हैं, तो ना उसमें हम सिलेंडर रखेंगे और सिलेंडर की आग लगा के लोगों को साड़ के इतना खूबसूरत निकाला करेंगे। दीदी यार ये क्या बंद है। फिर उसके बाद बताएं हम घर आए, तो हम 4 महीने बाद घर आए, घर ऐसे जैसा खंडर होता है, इतनी इतनी मिट्टी घर के अंदर, जैसा सालों से घर बांध होता है, हमारी गाड़ी के टायर फुल बैठे हुए, ये चीजें होती रहती थी। बात ये था हम एक कमरे में सारे कंबाइन सोने लगते थे, हम अपने कमरे में कोई भी नहीं जाता था, जब मेरे दोस्त आते थे देन ही मैं उस कमरों में जाता था, वरना मैं मामा के कमरे में रहता था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्टिंग की, यहाँ पे शिफ्टिंग, और जिस तरह हमने की वो हमें पता है, अभी हम कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ ऐसी चीजें थी जो मुबशीर एक्सप्लेन करें, आंखें नजर आती थी, लाल रंग के बटन, जिस तरह ये अंधेरा हुआ हो ना तो ऐसा लगता था जैसे कोई खड़ा लाल रंग की आंखें देखी है, तो थोड़ी देर बाद नहीं नजर आती थी, फिर नजर आती थी। अली ना आपने भी देखी थी, आपने मुझे बताया। अच्छा अब मैंने अपने दोस्तों को बता दिया कि यार ये सिचुएशन चल रही है, मैं डरने को शुरू हो गया था, मैं छोटी छोटी चीज पे डर जाता होता था, मैं इतना बुरा डरने शुरू हो गया था। तो अब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यार जी इस तरह सीन है, तो हुआ है वो मेरा, उन्होंने इतना चेजा खींचा, इतना चेजा खींचा, अंडा का मैंने उन्हें बताया नहीं। जब हम चले गए ना 4 महीने के लिए, तो हम ना हैंड ओवर करके गए थे मुबशीर तैयब दानी के मोबाइल घर अपना। बताया था लिटरली, कहता है तू सही कहता था, बिलीव नहीं करते थे, तू सही कहता था भाई, जो हमने चीजें देख ली हमारे उल्टे पैर थोड़े लगी है उस घर से। तो ये भी मेरा मुझको कहते थे घर का ख्याल रख ले, कहते ना भाई ये हमारे हाथ जुड़े देखे, हमने उस घर नहीं जाना। तो ये लोग फिर गए नहीं थे, फिर जब हम घर आए थे घर हमने खंडर देखा था अपना। इसलिए आपका भाई बहुत ज्यादा भाई डरता है। अब आप लोगों ने बताना है कि क्या आपके साथ इस तरह वाकया हुआ है, तो कमेंट में लाजमी बताना है। अब कुछ लोग कहेंगे आमी आमी बजूरा बजूरा, पर मैं इन चीजों का मानता हूँ भाई। बाकी ये थी आज की हॉरर स्टोरी, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग न्यू प्रैंक, इसी तरह प्रैंक करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अल्लाह हाफिज़।